डीसी साहब को सौंपा जाएगा। इस धरने का समर्थन करने आया है तो हमें कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मैं ये आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को, आपको कर्मचारी महासंघ एकीकृत पिछले 4 वर्षों से कर्मचारियों की मांगों को लेकर संघर्ष करता है, सरकार को ज्ञापन भी दिया है। और आज हमारा जो हमने पूर्व घोषित संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देने की जो प्रोग्राम है, आज हमारा जयपुर में अजमेर में ये ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। और निश्चित तौर पर हम राज्य सरकार को हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी उसको उजागर किया जाए, तथा हमारी जो चयनित वेतनमान है, पिछली सरकार से हमारा समझौता हुआ था कि 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24/32 जो चयनित वेतनमान दिया जाए उस पर हमें पूर्ण आशा है, क्योंकि हम महासंघ के माध्यम से सरकार को बार बार ज्ञापन भी दिया, व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें बताया कि 7 लाख कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24/32 का चयनित वेतनमान दिया जाए, तथा मंत्रालय कर्मचारी उनको जो सचिवालय के हिसाब से द्वितीय पदोन्नति का पद 4200 दिया जाए। और जो हमारा जो चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, उसी वादे के याद दिलाते हुए हम संभागीय आयुक्त के सामने धरना दे रहे हैं। और जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी है, जिसमें जनता दल योजना भी है, हमारे आंगनबाड़ी की महिला कर्मचारी है, होमगार्ड के कर्मचारी है, NRHM है, NRLM है, NRHM, NULM है, तो ये सारे जो कर्मचारी हैं उन लोगों को नियमित किया जाए, इसी बात को लेकर हम पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकार हमारी मांग नहीं, ये सरकार जो बनी है इसकी घोषणा है, इनको घोषणा पत्र में लिया था, चुनाव से पहले जो किए गए वादे। हमारे अनेक कैडर है जिनकी वेतन विसंगतियां हैं, जिनका पदनाम परिवर्तन है, और जितने ठेके कर्मचारी उनको नियमित करने का है, रोडवेज के कर्मचारी है उन्हें राज्य सरकार का दर्जा देने का, इसी और इनको OPS लागू करना, सारे हमारे जो 21 सूत्रीय मांग पत्र उसको लेके हम राज्य सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। और कल हमारा प्रदेशव्यापी यज्ञ है, सरकार परसों आने वाले बजट में कर्मचारियों के लिए अच्छा करे, इसलिए हमने कल प्रदेशव्यापी सभी जिला मुख्यालयों पे यज्ञ करके सरकार को सद्बुद्धि दे, भगवान उनको अच्छी करे, इसलिए हमने कल हमारा प्रदेशव्यापी कलेक्ट्रेट हर जिले में सद्बुद्धि यज्ञ है। आपका पूरा नाम? गजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एकीकरण। हमने संभाग स्तर पे जो हमारे कार्यक्रम थे उसके तहत हमने आज यहाँ धरना आयोजित किया है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी बता रहे हैं, पिछले कई दिनों से देख रहे हैं आपके हम संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान के राज्य कर्मचारी। तो गहलोत साहब का जो 10 तारीख को बजट आ रहा है, आप जानते हैं कि मैं प्रखर बोलता हूँ, गहलोत साहब कहते हैं कि मेरा द्वार खुले हैं और मैं देता नहीं थकूँगा, आप मांगते थक जाएंगे। तो संवेदनशील मुख्यमंत्री की आखिरी परीक्षा है राज्य कर्मचारियों के सामने कि यदि वो राजस्थान रोडवेज को सम्मिलित करते हैं, राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हैं, और हमारे एकीकृत महासंघ की जो मांग है कि 9/18/27 के स्थान पे 8/16/24/32 दिया जाए, संविदा कर्मचारियों को पूरा नियमित किया जाए, और जो भी हमारी मांगे हैं DC सामंत कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए, तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस बजट के अंदर हमारी मांगे पूरी करें, अन्यथा 2023 का जो चुनाव आमने सामने आ रहा है उसमें कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करेगा और डंके से डंका बजाएगा। आज हमने धरना दिया है और हम अभी ज्ञापन देंगे DC साहब के माध्यम से। कांति कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष एकीकृत महासंघ अजमेर।